नमस्कार और स्टेट विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीपीएससी 2019 और 2020 के प्री और मेंस के लिए एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जो अभ्यर्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं वो लोग यूपीपीएससी 2019 के लिए अपना टारगेट फिक्स करें और इसके लिए प्री की जो परीक्षा होगी वो 15 दिसंबर को होने वाली है। मेन्स का एग्जाम 20 अप्रैल से शुरू हो रहा है और अगर आप जीरो लेवल पर हैं तो आप यूपीपीएससी 2020 पर फोकस कर सकते हैं। यूपीपीएससी 2020 का प्री का एग्जाम 21 जून को होगा और मेंस का एग्जाम 15 अक्टूबर 2020 को होगा। दोस्तों, ये यूपीपीसीएस कंप्लीट स्ट्रेटजी का दूसरा वीडियो होगा जिसमें हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसके बाद जो तीसरा वीडियो होगा उसमें हम आपको सारी इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बताएंगे और उन रणनीतियों के बारे में बताएंगे जिनको फॉलो करके लोग सफल हो रहे हैं और सफलता उनके चरण चूम रही है। दोस्तों, मैं संक्षेप में पार्ट वन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। पार्ट वन में हमने आपसे चर्चा की थी कि जो पीसीएस की परीक्षा होती है वो तीन चरणों से होकर गुजरती है, प्री मेंस और इंटरव्यू। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि प्रिलिमिनरी एग्जाम में दो पेपर होता है, सेकंड पेपर सीसेट का होता है, ये मात्र क्वालिफाइंग होता है। पहला पेपर जिसमें 150 प्रश्न होते हैं, 200 अंकों की परीक्षा होती है, तो इसी के बेस पर आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाती है। प्री जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको मेंस एग्जाम में बैठना पड़ता है। मेंस में अनिवार्य विषय के अंतर्गत 6 प्रश्न पत्र होते हैं, कुल मिला के 1100 अंक। इसमें सामान्य हिंदी, निबंध और जीएस के 4 पेपर होते हैं। सभी प्रश्न जो यहाँ पर होंगे वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, कन्वेंशनल टाइप के होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि हिंदी में क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा ये आयोग खुद डिसाइड करता है। वैकल्पिक विषयों में से कोई भी एक विषय आप चुन सकते हैं जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, और जो वैकल्पिक विषय आप चुनेंगे उसमें से 2 पेपर आपको देने होंगे। दोनों पेपर में अगर हम बताएं आपको तो जैसे मान लीजिए पेपर 1 है उसमें 2 खंड होंगे, हर खंड में 4-4 प्रश्न होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट इज 5, 5 प्रश्न आपको करने होते हैं, लेकिन कम से कम खंड ए और खंड बी से 2-2 प्रश्न आपको लेने होते हैं और उसके बाद 100 अंकों का इंटरव्यू होता है। तो इस प्रकार से मेंस और इंटरव्यू दोनों को जोड़ेंगे अगर आप तो 1600 अंक होते हैं, यानी कि 1600 अंकों पर आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाती है। तो ये संक्षेप में मैंने आपसे चर्चा की। डिटेल में जानना चाहते हैं हर चीज के बारे में तो आप पार्ट वन को देख सकते हैं और पार्ट वन में हमने पीसीएस प्री 2019 का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में सविस्तार चर्चा की है। तो पार्ट वन आप देखिए अगर आप सीरियसली इस एग्जाम की तैयारी में लगना चाहते हैं तो। और दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा था कि पार्ट वन की समाप्ति पर कि अब हम अगले पार्ट में मेंस का जो सिलेबस होगा उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम अब बात करते हैं मेंस का क्या सिलेबस होता है और किस प्रकार से ये परीक्षा होती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें कंपल्सरी सब्जेक्ट के अंतर्गत सामान्य हिंदी आती है। सामान्य हिंदी के बारे में मैंने अभी भी आपको बताया कि इसमें क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स ये आयोग खुद डिसाइड करता है। 3 घंटे का समय मिलता है आपको और 150 अंक का ये पेपर होता है और इसमें दिए हुए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर, संक्षेपण, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए 1 शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति एवं मुहावरे से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न जो होंगे वो निबंधात्मक होंगे, यानी कि आपको लिखित में ये परीक्षा देनी होती है। जितने भी पेपर होते हैं मेंस में अब सारे के सारे पेपर जो हैं वो रिटन में आ गए हैं, लिखित परीक्षा होती है। पहले इसमें क्या होता था कि कुछ पेपर थे जो कि ऑप्शनल होते थे, अब ऑप्शनल सब हटा दिया गया है, सारे पेपर अब डिस्क्रिप्टिव हो गए हैं, कन्वेंशनल हो गए हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है आपका निबंध। निबंध के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है, 3 घंटे में आपको 3 निबंध तीनों खंडों से लिखने होते हैं, 150 अंक की ये परीक्षा होती है। निबंध को आप हिंदी में, अंग्रेजी में या फिर उर्दू में आप लिख सकते हैं, यानी कि आप भाषा के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू का चुनाव कर सकते हैं। निबंध के प्रश्न पत्र में 3 खंड होते हैं, प्रत्येक खंड से एक एक विषय 700 शब्दों में आपको लिखना होता है और 50-50 अंकों का प्रत्येक खंड होता है, यानी कि कुल 150 अंक का यह प्रश्न पत्र होता है। खंड के अंतर्गत आपको साहित्य और संस्कृति,
सामाजिक क्षेत्र राजनैतिक क्षेत्र में से कोई भी एक टॉपिक चुनना होता है और इस पर आपको निबंध लिखना होता है। विज्ञान पर्यावरण और प्रौद्योगिकी आर्थिक क्षेत्र और किसी उद्योग एवं व्यापार से संबंधित कोई भी एक टॉपिक आपका चुनाव करना होगा खंड ख से और उसके बाद उस पर आपको निबंध लिखना होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ क्षेत्र बता रहा हूँ, संबंधित जो टॉपिक होगा वो अलग होगा। दोस्तों इसके बाद आता है खंड ग जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि और राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न आपको जो होते हैं दिए जाएंगे और उसमें से एक प्रश्न का चुनाव करना होता है, उस पर आपको 700 शब्दों में निबंध का लेखन करना होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कुल 3 घंटे का समय होता है, हर निबंध के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। स्पीड काफी मायने रखती है, साथ ही साथ आप शब्दों पर कितनी पकड़ रखते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि आप ऐसे राइटिंग में गंभीरता लाएं, आप इसमें किसी को बहका नहीं सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है आपका सामान्य ज्ञान का पेपर 1, 3 घंटे का समय होगा, 200 अंकों की ये परीक्षा होगी। सामान्य अध्ययन 1 का जो सिलेबस है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, मैं मुख्य मुख्य बातों को आपको बता देता हूँ। भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला प्रारूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू इसमें शामिल होते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास जिसमें 1757 से 1947 तक की घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याओं से संबंधित प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति योगदान, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन 1965 तक, विश्व के इतिहास में 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के मध्य तक की घटनाएं जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति 1789, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे कि साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद इत्यादि के रूप और समाज पर उनके प्रभाव इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, महिलाओं की समाज और महिला संगठनों में भूमिका, जनसंख्या तथा संबद्ध समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण उनकी समस्याएं और उनके रक्षा उपाय, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का अभिप्राय, सामाजिक सशक्तिकरण, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता, मानव प्रवास, विश्व की शरणार्थी समस्या, सीमांत तथा सीमाएं, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में, जनसंख्या, अधिवास, उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान जिसमें इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य साहित्य, प्रादेशिक भाषाएं, धरोहरें, सामाजिक रीति रिवाज एवं पर्यटन और उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान जिसमें भूगोल, मानव एवं प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टियां, वन जीव, खदान, खनिज और सिंचाई के स्रोत पेपर 1 के अंतर्गत ये चीजें आपको मिलेंगी। इसका आपको लिखित में उत्तर देना होता है, 3 घंटे का समय आपको मिलता है। उसके बाद दोस्तों आता है आपका पेपर 2 और पेपर 2 में भारतीय संविधान, संघ एवं राज्यों के कार्य एवं उत्तरदायित्व, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका, शक्तियों का पृथककरण, भारतीय संवैधानिक योजना की प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना, संसद राज्य विधायिका यानी कि संविधान पॉलिटी से संबंधित प्रश्न जो होते हैं वो पेपर 2 के अंतर्गत आपसे पूछे जाते हैं। रिटर्न में आपको ये परीक्षा देनी होती है, 3 घंटे का समय मिलता है, 200 अंकों की ये परीक्षा होती है। तो अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों इसके बाद आता है आपका पेपर 3, जो पेपर 3 होगा दोस्तों ये भी 3 घंटे का ही होता है, 200 अंकों की परीक्षा होती है। इसमें भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियां, नीति आयोग की भूमिका, गरीबी के मुद्दे, सरकार के बजट के अवयव, प्रमुख फसलें, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कृषि सहायकी, भारत में खाद्य प्रसंस्करण, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार यानी कि कृषि पर और विज्ञान पर आधारित, साथ ही साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। आप पूरा का पूरा सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक मैंने दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 3 घंटे का समय मिलेगा, 200 अंकों की ये परीक्षा होती है। उसके बाद दोस्तों आता है आपका पेपर 4, चौथा पेपर। तो दोस्तों सामान्य अध्ययन के चौथे पेपर में नीति शास्त्र तथा मानवीय अंत, साथ ही साथ अभिवृत्ति जिसके अंतर्गत संरचना, कार्य, विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव और संबंध, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्यांकन, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और गैर तरफदारी, साथ ही साथ संगात्मक बुद्धि, लोक प्रशासन में लोक, सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र,
शासन व्यवस्था में ईमानदारी जिसमें लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान, पारदर्शिता और उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन यानी कि केस स्टडी से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पेपर वन हिंदी, पेपर टू निबंध, ये 300 अंकों की परीक्षा हो गई, 800 अंक की रिटर्न परीक्षा होती है सामान्य अध्ययन की। तो कुल 1100 अंकों के जो प्रश्न पत्र होते हैं वो अनिवार्य प्रश्न पत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न पत्रों की कुल संख्या हो गई 6। उसके बाद दो पेपर आपके होंगे, एक वैकल्पिक विषय से जिसका चुनाव आपको करना होगा, और ये दोनों प्रश्न जो होते हैं वो दो दो अंकों के होते हैं, सॉरी 200 अंकों के होते हैं, 3-3 घंटे का समय आपको मिलेगा। और जो आपका प्रश्न पत्र होगा, हर प्रश्न पत्र दो भागों में बटा रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों पार्टों में 4-4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, इसमें दो से दो दो प्रश्न करने कंपलसरी रहेंगे, कुल 5 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और इसी प्रकार से पेपर टू भी होगा। तो टोटल जो अगर आप देखेंगे तो इंटरव्यू इसके बाद होता है 100 अंकों का। तो दोस्तों 1500 अंकों की मुख्य परीक्षा और 1500 अंकों की मुख्य परीक्षा के बाद 100 अंकों का इंटरव्यू, 1600 अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट बनाई जाती है। इंटरव्यू के बारे में और जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि चीजें आपके लिए आसान होती चली जा रही हैं, क्योंकि एक सही रणनीति के लिए एक सही ज्ञान का होना बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, रणनीति के बारे में और इंटरव्यू में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं उसके बारे में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।